Next, debtors turnover ratio से ही related. Average age of receivables, या average collection period, या average debt collection period. Formula कितना आसान है आपके सामने. 365 days, अगर मैं answer days में निकालना चाहता हूँ, साल भर में 365 days होते हैं, या 52 weeks, answer में weeks में निकालना चाहता हूँ, या 12 months, अगर मैं answer months में निकालना चाहता हूँ. आम तौर पर आंसर जो है वो या तो डेज में निकाला जाता है या मंथ्स में निकाला जाता है. वीक्स में तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा, बट फिर भी हम आपको फॉर्मूले में दे देते हैं. सो 365 डेज और 52 वीक्स और 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लेकर बताता हूं आपको. लेट अस अज्यूम हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम आता है और दूसरी कंपनी का 12 टाइम्स आता है. ठीक है, इससे क्या होगा, ये वाले फॉर्मूले को अपने सामने रखो. मैं डेट कलेक्शन पीरियड निकालूंगा, लेट अस अज्यूम मैं मंथ्स में निकाल रहा हूं, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 2 मंथ्स, और दूसरी कंपनी का 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स, आंसर 1 मंथ. तुम देख रहे हो क्या बढ़िया बात है. कंपनी ए अपने डेटर्स को ऑन एन एवरेज कितने महीने में कलेक्ट करती है, 2 महीने में. देख रहे हो ना, कंपनी ए अपने डेटर्स को 2 महीने में कलेक्ट करती है, लेकिन कंपनी बी कितने महीने में कलेक्ट कर लेती है, 1 मंथ में. कौन सी कंपनी बेटर हुई? एक ही इंडस्ट्री में करने वाली कंपनीज के वो कंपैरिजन किया जाता है, ये तो कॉमन सेंस है. तो अगर एक ही इंडस्ट्री में एक कंपनी जो है वो 12 मंथ्स में कर रही है, दूसरी 6 मंथ्स में कर रही है, या ऐसे कहेंगे ये 12 टाइम्स है और ये 6 टाइम्स है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस है ना. बोलो 2 महीने में पैसा कलेक्ट करना अच्छा या 1 मंथ में पैसा कलेक्ट करना अच्छा, हमेशा 1 मंथ में. इसलिए टर्नओवर जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है. ओके, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं.